सो so, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड का प्रॉब्लम एंगल्ड फ्लिप द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग सो एजेज लेट स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंगल्ड फ्लिप यू आर गिवन एंड क्रॉस एम इंटीजियर मेट्राइसिस ए एंड बी ठीक है क्या बोला गया है कि हमें दो इंटीजर मेट्राइसिस दिए गए है ए और बी जिनकी साइज क्या है एन क्रॉस एम मतलब कि एन रोज और एम कॉलम्स यू आर अलाउड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ए एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल पॉसिबल जीरो सो एक ऑपरेशन दिया गया है जिसकी डेफिनेशन हम देखेंगे ये हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन ए एज मेनी टाइम्स एज वी वॉन्ट ठीक है मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन ऑन ए ऑपरेशन क्या है पिक एनी स्क्वेर सब मेट्रिक्स ऑफ ए एंड फ्लिप इट अबाउट आदर इट्स मेन डायग्नल और इट्स एंटी डाइगनल ठीक है ऑपरेशन है कि हमें कोई भी एक स्क्वेर सब मेट्रिक्स ऑफ ए सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको फ्लिप कर सकते हैं दो तरीके से या तो उसके मेन डायगनल के अक्रॉस या तो फिर उसके एंटी डाइगनल के अक्रॉस ठीक है ये एक ऑपरेशन में हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मेट्राइस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो एक तरीका हो गया इसको मेन डायगोनल के अक्रॉस फ्लिप करना इसका मतलब क्या लेट सपोज मैं पूरे स्क्वायर मैट्रिक्स को फ्लिप करता हूँ सो वन फाइव और नाइन ये मेन डाइग्नल को एज इट इज रख दिया रिमेनिंग एलिमेंट्स को इसको मिरर मानते हुए ऑपोजिट uh, साइड ले जाना है फ्लिप करना है बेसिकली इसको मेन डायग्नल के अक्रॉस रख के इस पूरे मैट्रिक्स को फ्लिप करना है सो टू विल कम यर फोर विल गो देर सो दिस इज फोर दिस इज टू थ्री विल कम यर सेवन विल गो दर सेवन थ्री सिक्स विल कम यर एंड एट विल गो यर दिस इज अक्रॉस मेन डायगनल दूसरा हो सकता है कि एंटी डायगनल के अक्रॉस हम इसको फ्लिप करें मतलब कि पहले तो एंटी डाइगनल कौन सा होगा ये मेन होगा ठीक है लेफ्ट से लेकर राइट तक टॉप से लेकर डाउन और राइट से लेकर लेफ्ट तक अगर हम जाए टॉप से लेकर डाउन तो इसको एंटी डायगनल बोलते हैं सो थ्री फाइव सेवन ये एंटी डायगनल को एज इट इज़ रख दो और एलिमेंट्स को इसके अक्रॉस फ्लिप कर दो तो मैं इसके अक्रॉस मिरर ले सकता हूँ मतलब सिक्स यहाँ आ जाएगा टू यहाँ आ जाएगा नाइन यहाँ आ जाएगा वन यहाँ आ जाएगा और एट यहाँ आ जाएगा फोर यहाँ आ जाएगा ठीक है तो ये इस तरफ से भी फ्लिप हो सकता है जो कि एग्जाम्पल दिया गया है ठीक है इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट ए इंटू बी बाई परफॉर्मिंग दी ऑपरेशन सेवरल पॉसिबली जीरो टाइम्स तो अब हमें बोला गया है कि ये जो एक ऑपरेशन है जिसमें हम एक सब मेट्रिक्स को सिलेक्ट करके उसको फ्लिप करते हैं अक्रॉस मेन और एंटी डायग्नर ऐसे मैनी सेवरल ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पर सेवरल का मतलब क्या है कितने भी हम जीरो भी परफॉर्म कर सकते हैं टेन ट्वेंटी हंड्रेड कितने भी कर सकते हैं क्या हम गिवन मेट्रिक्स ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं ये पूछा गया है ठीक है आगे सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी गई है सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक मैट्रिक्स का अगर हम एक सब पार्ट ले जिसमें कि रोज और कॉलम्स को हम कंटिन्यूस ले ब्रेक होते हुए नहीं मतलब कि ये अगर मैट्रिक्स है तो मान लो मैंने एक यहाँ पे छोटा सा कंटिन्यूस लिया जिसमें कि ये सारे रोज और ये सारे कॉलम सिलेक्ट किए ठीक है, है तो इसको मैं सब मैट्रिक्स बोलूंगा ठीक है या तो फिर मान लो मैंने यहाँ पे एक इतनी कॉलम सिलेक्ट कर ली ठीक है यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है और यहाँ पे कुछ है और बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए इसको सब मेट्रिक्स बोलेंगे और स्क्वायर सब मेट्रिक्स का मतलब क्या है कि एक सब मेट्रिक्स मतलब कंटिन्यूस सेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स तो उसको स्क्वायर सब मेट्रिक्स बोलेंगे ठीक है इनपुट किस तरह से दिया गया है इनपुट में फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है एन और एम दैट इज द साइज ऑफ द मेट्राइसिस फिर नेक्स्ट एन लाइंस में नेक्स्ट uh, n लाइंस में मेट्राइस uh, ए दिया गया है मतलब कि हर एक लाइन में एम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ए जीरो से लेके एम माइनस वन फॉर ईच रो और उसके बाद अगेन नेक्स्ट n लाइंस में मैट्रिक्स बी दिया गया है जहाँ पर हर एक लाइन में एम नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे ठीक है कंसेंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं हमें आउटपुट में यस yes प्रिंट करना है अगर हम ए एस को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई परफॉर्मिंग सेरोल नंबर ऑफ ऑपरेशन पॉसिबली जीरो और नो no प्रिंट करना है अगर हम ए को बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो होप क्वेश्चन क्लियर अब इसके कंसेप्ट मूव करते हैं सो so, अब हाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हमें तीन क्वेश्चन अगर हम स्टेप वाइज पूछे और उनके आंसर दे दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जैसा कि हमें इनपुट में दिया गया है सबसे पहले तो कि एन ए और भी दो मेट्राइसिस है जिनकी साइज सेम है एन क्रॉस एम हमें पूछा गया है कि एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है और हमें पूछा गया है कि क्या वो ऑपरेशन सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स ए पे परफॉर्म करके सेवरल मतलब क्या कि जितने भी टाइम्स हम चाहे जीरो वन टू थ्री एन नंबर ऑफ टाइम्स क्या हम ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं अगर कर सकते हैं तो यस करना है वरना नो प्रिंट करना है ठीक है और वो ऑपरेशन क्या है कि हम मैट्रिक्स का कोई भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स सिलेक्ट करेंगे ठीक है स्क्वायर सब मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स का मतलब क्या सब मैट्रिक्स क्या होता है जैसा हमने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाले पार्ट में देखा बट जल्दी से रिवाइज कर दूँ तो सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स का कोई भी एक छोटा पार्ट मतलब कि जिसमें कि हमने कंटिन्यूस रोज और कॉलम्स लिया हो ठीक है कंसिडर किया हो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैट्रिक्स है तो ये उसका एक कंटिन्यूस छोटा पार्ट हम ये नहीं कह सकते कि ये और ये बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए उसको सब मैट्रिक्स बोलेंगे और स्क्वायर सब मेट्रिक्स मतलब क्या कि नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स वो सिलेक्ट करने के बाद हमें उस सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मेन डायगनल या तो फिर एंटी डायगनल के अक्रॉस फ्लिप करना है मतलब कि ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स मैंने सिलेक्ट किया है तो ये राइट से लेके सॉरी लेफ्ट से लेके राइट तक टॉप टू डाउन जो जाता है वो मेन डायगनल होता है इसके अक्रॉस एलिमेंट्स को फ्लिप करना है मतलब यहाँ का एलिमेंट यहाँ आ जाएगा यहाँ का एलिमेंट यहाँ आ जाएगा ये डायगनल के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे या तो फिर एंटी डायगनल जो होता है टॉप से लेके बॉटम बट राइट टू लेफ्ट इसके अक्रॉस एलिमेंट्स को फ्लिप करना है मतलब यहाँ का एलिमेंट यहाँ आ जाएगा यहाँ का एलिमेंट्स यहाँ आ जाएगा तो क्या हम ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं अब आते हैं तीन क्वेश्चन जो हमें बेसिकली पूछने चाहिए पहला जो है वो है व्हाट ऑपरेशन शुड वी परफॉर्म क्यों पहले मैं तीनों लिख देता हूँ एक काम करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ सेकंड और थर्ड पहला है व्हाट ऑपरेशन शुड वी परफॉर्म सेकेंड क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि अगर हमारे पास एम में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो बी में है तो क्या एक पर्टिकुलर एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल फाइव एम में किसी पोजीशन पे प्रेजेंट है बी में किसी पोजीशन पे प्रेजेंट है तो क्या वो उस पोजीशन पे ए में शिफ्ट हो सकता है कि नहीं तो इस शिफ्ट पॉसिबल टू डिजायर्ड लोकेशन ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया और थर्ड क्वेश्चन जो हमें पूछना है कि वॉट ऑर्डर शुड वी फॉलो अब इन तीनों का आंसर करते हैं पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सबसे पहले व्हाट ऑपरेशन शुड वी परफॉर्म ऐसा मैंने क्यों लिखा क्योंकि मान लो अब हमारे पास एक सब मैट्रिक्स है सॉरी एक मैट्रिक्स है जिसकी साइज है हंड्रेड क्रॉस हंड्रेड ठीक है तो उसमें आप किस साइज का सबमेट्रिक सिलेक्ट कर सकते हो आप दो का भी कर सकते हो तीन का भी कर सकते हो चार का भी कर सकते हो पांच का भी कर सकते हो एंड सो ऑन का का भी कर सकते हो, 100 का भी कर कर सकते सकते हो हो स्क्वायर तो यहां पे एक बात समझो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है टू क्रॉस टू का सबमेट्रिक्स करना क्यों क्योंकि जितनी छोटी साइज होगी उतना आप एलिमेंट को ज्यादा जगह पर शिफ्ट कर पाओगे अब क्योंकि हमें यहां पे ये नहीं पूछा है कि हम कितने ऑपरेशन्स में परफॉर्म करेंगे या तो फिर मिनिमम ऑपरेशन या तो फिर ऑपरेशन हमें बताना है कि ये ये ऑपरेशन परफॉर्म करके होगा हमें सिर्फ यस yes या नो no बताना है तो देखो वन क्रॉस वन का अगर मैं सब मैट्रिक्स लूंगा तो वो तो एलिमेंट का ही जा ही नहीं पाएगा एक ही एलिमेंट है तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते टू क्रॉस टू का अगर मेरे पास सब मैट्रिक्स है वन टू थ्री फोर तो इसमें दो हो सकता है एक तो मैं मेन डायगनल को एज इट इज रखूँ और दूसरे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दूँ ठीक है दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है कि भाई इस डायगनल को यहां पे ही रखो और मेन डायगनल को और बाकी के एलिमेंट्स को इसके फ्लिप कर ये दो तरीके हो सकते हैं अब बात समझो यहां पे क्या हुआ कि यहां पे चला गया मतलब कि एक स्टेप नीचे गया फोर एक स्टेप ऊपर गया यहां पे थ्री एक स्टेप ऊपर गया टू एक स्टेप नीचे आया डायगनली अगर मैं थ्री क्रॉस थ्री का लेता ठीक है तो जो फ्लिप होता उसमें कुछ एलिमेंट्स नो डाउट एक स्टेप मूव होते कुछ दो स्टेप मूव हो जाते फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है अब मैं इसके अक्रॉस अगर फ्लिप लेता तो थ्री यहां पे आ जाता और सेवन यहां पे आ जाता ठीक है तो कहने का मतलब क्या है अगर फोर क्रॉस फोर होता तो यहां वाला एलिमेंट यहां आ जाता और यहां वाला एलिमेंट यहां पे आ जाता तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है बिकॉज हमें यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन और एस सच कुछ नहीं बताया तो हम इसको अगर ऑब्जर्व करें तो ये हमारे लिए बेस्ट चीज है क्यों क्योंकि मान लो मुझे वन को सिक्स स्टेप्स यहाँ पे नीचे शिफ्ट करना है वन को सिक्स स्टेप्स नीचे शिफ्ट करना है ठीक है तो अगर मेरा जो स्क्वायर सबमेट्रिक्स है वो एट क्रॉस एट का है ठीक है तो शायद वो सीधा यहाँ पे चला जाएगा फोर क्रॉस फोर का है तो यहाँ कहीं पर आएगा फिर हमें वापस ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा सिंपली अगर अंडरस्टैंड करें तो अगर टू क्रॉस टू का हम लेके ऑपरेशन परफॉर्म करते रहे तो चाहे एक स्टेप जाना हो दो स्टेप जाना हो तीन स्टेप जाना हो चार स्टेप जाना हो कितने भी स्टेप्स जाना हो डायग्नली हम जा पाएंगे ठीक है तो में अब क्या रखना है जब भी हम हम आगे डिस्कस करेंगे तो कर रहे हैं। और एक टू टू का ले रहे हैं और तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं सकता अब अगर थ्री क्रॉस थ्री कंसिडर करो तो एक तो उसको विजुअलाइज करना है, डिफिकल्ट है, एलिमेंट्स को आगे हम देखेंगे कि किस ऑर्डर में फॉलो करना चाहिए वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकती है और सॉरी मान लो एन की साइज हंड्रेड है एम की साइज टू है तो थ्री क्रॉस थ्री का कहाँ पे लाओगे सो दिस इज द मिनिमम थिंग जिससे कि हमें विजुअलाइजेशन क्लियर मिलेगा हम प्रॉपर एक स्टेप्स फॉलो कर पाएंगे और आगे जब हम इसकी बात करेंगे कि कौन सा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए वहाँ पे भी ये बेस्ट ऑप्शन होगा ठीक है तो ये चीज़ समझ में आ गई ठीक है तो एक और चीज़ यहाँ पे ये समझ में आ गई तो ये हम ऑपरेशन मन में रखेंगे कि कभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो टू क्रॉस टू का सब मैट्रिक्स सिलेक्ट करके हम एलिमेंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं <coughs> अब बात आती है इज शिफ्ट पॉसिबल टू लोकेशन। इसका मतलब क्या कि ए में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वही बी में प्रेजेंट है तो हमें ए में जहां पे प्रेजेंट है वहां से उस लोकेशन में ले जाना है जहां पर वो बी में प्रेजेंट है आप समझो तो क्या वो पॉसिबल है कि नहीं फॉर एग्जाम्पल A में एक एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट है बी में वो यहां पे प्रेजेंट है ठीक है और एक दूसरा केस लेते हैं में एक एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट है बी में एक एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट है ठीक है तो आप ये बात अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं पहले ये तो पता चले कि सारे के सारे एलिमेंट्स बी में जिस लोकेशन पे है इनकेस अगर सारे के सारे एलिमेंट ए में सेम है बी में बी की तरह तो अगर बी में जिस लोकेशन पे है वहां पे इंडिविजुअली शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं फिर हम देखेंगे कि हम क्या ऑर्डर फॉलो करें कि सारे शिफ्ट हो जाए बट इंडिविजुअली पहले हो रहे कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा तो इंडिविजुअली शिफ्ट हो रहे कि नहीं ये कैसे पता चलेगा अगर हम इस ऑपरेशन को देखें तो हमें क्या पता चला कि हम किसी भी एलिमेंट को डायगनली अप डाउन लेफ्ट राइट एक एक स्टेप मूव करवा सकते हैं तो बेसिकली इन मल्टीपल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, बिकॉज हमें यहां पे यह नहीं बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे इन मल्टीपल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, वी कैन शिफ्ट एन एलिमेंट डायगोनली राइट डाउन डायगोनली राइट अप डायनली लेफ्ट अप एंड डायगनली लेफ्ट डाउन एनी ठीक है तो इस एलिमेंट को क्या मैं यहाँ पे ला सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ मान लो मैं यहाँ से यहाँ आ गया नहीं अब ये यह यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा यहाँ आ गया यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा मैं यहाँ से देख लेता हूँ मान लो मैं यहाँ से यहाँ आ गया क्योंकि डायगनली हम एक ऑपरेशन में देखो यहाँ पर जा सकते हैं 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 तो मल्टीपल ऑपरेशन में कितना भी जा सकते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन तो बताने नहीं तो मैं यहाँ से यहाँ चला गया ये ये समझ में आया ना एक ऑपरेशन में हम ऊपर जा सकते हैं नीचे आ सकते हैं फिर जैसे यहाँ पे थ्री था वो ऊपर चला गया और टू नीचे आ गया ठीक है तो आपको आई होप की वो क्लियर है ठीक है अब तो यहां से फिर मैं मान लो यहां पे आया यहां पे आया यहां से यहां आया लेकिन मैं यहाँ पे नहीं जा रहा तो ये एलिमेंट यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सकता ठीक है अब बात करते हैं इसकी तो इसको मैं क्या कर सकता हूं ए में वो यहाँ पे बी में यहाँ पे है तो मैं यहां से यहाँ ला सकता हूं और फिर यहाँ से यहाँ ला सकता हूं हाँ भाई डिजाइर्ड पोजीशन पे आ रहा है अब ऑपरेशंस कैसे होंगे सबसे पहले हम इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे इस इस एंटी डाइगनल के अकॉर्डिंग एंटी डायगनल के अक्रॉस फ्लिप कर देंगे तो ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा फिर ये यहाँ पर आ जाएगा फिर इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स को सिलेक्ट करेंगे फिर अगेन इसके इस डायगनल के, के अक्रॉस फ्लिप करेंगे तो ये यह यहाँ पर आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा यह फिर ये सिलेक्ट करेंगे और इसके अक्रॉस फ्लिप करेंगे तो ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और इस डायगोनल के अक्रॉस फ्लिप करेंगे तो ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा ठीक है बाकी के एलिमेंट्स मिसप्लेस हो जाएंगे लेकिन इंडिविजुअली तो पहले चेक कर ले कि वो डिजाइड लोकेशन पर जा रहा है जैसे ये यहाँ पर कभी पहुँचेगा ही नहीं अब बात आती है हमें पता चल गया कि भाई कौन सा ऑपरेशन हम दिमाग में लेके आगे जा सकते हैं हमें हमने इंडिविजुअली सभी एलिमेंट्स का चेक कर लिया कि वो डिजाइड लोकेशन तक जा सकते हैं कि नहीं अब मान लो कि ये दोनों स्टेप पास हो गए ये तो हमने सिलेक्ट कर ही लिया अब ए में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो बी में है और इंडिविजुअली सब डिजाइड लोकेशन पर शिफ्ट भी हो सकते हैं ठीक है हालांकि इसकी फॉर्मूला देखनी पड़ेगी वो भी अभी देखते हैं अब क्वेश्चन आता है कि हमने हमें किस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए तो एक बात समझो अभी एक काम करते हैं इसकी फॉर्मूला भी देख लेते हैं तो ये क्या डिजाइड लोकेशन पे शिफ्ट हो सकता है कि नहीं तो ये अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये बेसिकली इसका क्वेश्चन का आंसर यस yes या नो कैसे होगा मान लो ये है जीरो वन टू थ्री फोर ये है जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है तो अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो यहां जा सकता है यहां जा सकता है यहां जा सकता है यहां जा सकता है यहां यहाँ यहां यहां यहां, 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 यहां। यहां और यहां ठीक है यहां से ये सब इनमें ही मूव हो सकता है तो इनके अगर आप कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्व करो तो जीरो वन जीरो थ्री वन जीरोन वन टू क्या पता चल रहा है एक ऑड है एक इवन है मतलब कि दोनों का जो सम होगा आई प्लस जे मॉड्यूलो टू इज वन फॉर ऑल दी सर्कल्स विच आई मार्क्ड, इसको ले लो वन और फोर फाइव इसको ले लो थ्री और टू फाइव इसको ले लो फोर और वन फाइव ठीक है अब यहां पे कोई एलिमेंट है तो वो इन सभी जगह पे जा सकता है रिमेनिंग जगह पे क्योंकि हम ट्रावर्स कर सकते हैं ना ऐसे 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 इन सेवरल ऑपरेशन तो देखो इनको अब ऑब्जर्व करो जीरो और जीरो जीरो और टू टू जीरो और फोर फोर फिर वन सॉरी वन और वन दिस इज वन दिस इज वन वन और वन टू वन और इसको ऑब्जर्व करो वन और थ्री फोर इसको ऑब्जर्व करो फोर और जीरो दैट्स फोर इसको ऑब्जर्व करो फोर और टू सिक्स बेसिकली यहाँ पे हो रहा था कि एक ऑड है एक इवन है दूसरे केस में होगा कि दोनों ऑड होंगे या तो दोनों इवन होंगे तो बेसिकली आई प्लस जे जो होगा वो इवन होगा ठीक है तो बेसिकली सेकंड स्टेप में हम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए कैसे चेक कर सकते हैं कि वो अपने डिजाइड लोकेशन में जा सकता है कि नहीं हम ये चेक करेंगे कि उसके करेस्पॉन्डिंग फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक वन प्रेजेंट है जिसका रो प्लस कॉलम मॉड्यूलो टू वन है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि बी में भी क्या कोई वन प्रेजेंट है जिसका रो प्लस कॉलम मॉड्यूलो टू वन है तो वो इंडिविजुअल इंडिविजुअली डिजायर्ड लोकेशन पे शिफ्ट हो सकता है ठीक है अगर रो प्लस कॉलम मॉड्यूलो टू एक का ऑड है एक का इवन है तो उस केस में जो हमने केस देखा था वो डिजायर्ड लोकेशन पे शिफ्ट नहीं हो सकता है ये भी चेक हो गया कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट में देखेंगे ठीक है इतना चेक हो गया तो अगर ये चेक हो गया कि भाई सारे के सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली तो डिजायर्ड लोकेशन पर जा सकते हैं बी में अब हमें देखना पड़ेगा कि कहीं एक दूसरे को बीच में वो प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर हम फॉलो कर सकते हैं सच दैट अगर सेकेंड स्टेप ट्रू है फॉर ऑल दी एलिमेंट्स मतलब कि इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स अपने डिजाइड लोकेशन पे जा सकते हैं तो हम आगे भी ये कह सकते हैं कि ये ट्रू है ठीक है तो अब एक बात समझो हम क्या यहाँ पे मान लो मेरे पास टू क्रॉस एम का एक मैट्रिक्स है ठीक है और ये सेकंड स्टेप ट्रू हो गया है मतलब कि इसके सारे एलिमेंट्स है वो बी के सारे डिजायर्ड लोकेशन में जा सकते हैं तो मैं क्या ऑर्डर फॉलो करूंगा अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं व्हाट ऑर्डर शुड वी फॉलो मतलब कि क्या इंडिविजुअली तो हो गए डिजायर्ड लोकेशन पे क्या हम सारे के सारे को डिजायर्ड लोकेशन पे ला सकते हैं तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम यहां पे बी में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको यहां पे ले आएंगे पूरे ए में से ये ए है ठीक है जिसकी साइज टू क्रॉस एम है फिर जनरल भी देख लेते हैं एन क्रॉस एम का तो यहाँ पे जो डिज़ायर्ड एलिमेंट है उसको यहाँ पे ले आओ तो यहाँ पे अगर मैं डिजायर्ड एलिमेंट को ले आओ मान लो वो तो यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ 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 ठीक है हमने ये तो चेक कर लिया है कि इंडिविजुअली वो सभी में डिज़ायर्ड पु... लोकेशन तक पहुंच सकते हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट चाहिए वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा गया यहाँ पर हो यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे तो हमने इसको फिल कर दिया फिर मैं कहूंगा कि भाई यहां पे जो डिजायर्ड एलिमेंट है इन मैट्रिक्स भी उसको फिल कर दो अब ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे अगर आप एलिमेंट को ला दिए, ठीक है उसके बाद अगर आपको यहां पे डिजायर्ड एलिमेंट को लाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा या तो फिर आपको इसके बाद अगर कोई चेंजेस करने होंगे मान लो आपने यहां पे डिजायर्ड एलिमेंट को ला दिया ठीक है अब आपको यहां पे डिजायर्ड एलिमेंट चाहिए ठीक है उसके बाद यहां पे चाहिए तो आपको इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा स्क्वायर मैट्रिक्स सिलेक्ट करके फ्लिप करने में जो कि हम नहीं चाहते एक बार फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया तो हम क्या करेंगे इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे हो गया अब इसके बाद इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया मतलब कि ये जहाँ पे भी प्रेजेंट था बी ए में वहाँ से लेके कर यहाँ पर ला दिया बी में जो यहाँ पे एलिमेंट था उसको अब मैं अगर इसके को कन्वर्ट करके देखूँ अगर यहाँ पे टू क्रॉस एम है तो अब इसको मैं अगर टू क्रॉस एम माइनस वन में देखूँ तो ये सेम प्रॉब्लम हो गया अब मैं वापस इन दोनों को फिल करूंगा वापस हटा दूंगा वापस फिल कर दूंगा वापस हटा दूंगा वापस फिल कर दूंगा वापस हटा दूंगा, दूंगा एंड में मेरे पास ऐसा कुछ बचेगा ठीक है तो बस अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे एलिमेंट अगर इस तरह से डिसाइड है तो इस तरह से रखो इसको फ्लिप करना है तो करो वरना रहने दो क्योंकि सभी एलिमेंट्स इंडिविजुअली तो अपनी पोजीशन पे पहुंच पा रहे थे वो हमने देख लिया था ठीक है और जब हम इसको फिक्स करने के बाद इसको फिक्स करेंगे एक बात समझो जब मैं यहाँ पे डिजायर्ड एलिमेंट फिल किया तो बाकी के एलिमेंट्स कहाँ जा रहे हैं उसकी टेंशन मत लो ठीक है क्योंकि सेकंड स्टेप में अगर हमने चेक किया था कि वो डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंच सकते हैं तो वो उसी डायगनल में रहेंगे आई प्लस जे मॉड्यूलोर टू वाले में

तो अगर इस तरह का कुछ है तो एक बात समझो मैं यहां पे पहले एलिमेंट मान लो फिक्स कर देता हूं ठीक है उसके बाद में यहां पे एलिमेंट फिक्स कर देता हूं मतलब कि यहां पे जो डिजायर्ड एलिमेंट है उसको लाके यहां पे रख दिया बाकी एलिमेंट्स का कुछ भी हो फिर इसको यहां पे लाके रख दिया इसका लास्ट स्टेप क्या होगा या तो यहां से आया होगा या यहां से आया होगा यहां से आया होगा तो इस डायग्नल के अक्रॉस हम फ्लिप करेंगे मतलब इसको तो डिस्टर्ब नहीं करना है यहां से आया होगा तो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर इसको फिक्स कर देंगे इसको फिक्स कर देंगे और एंड में इसको फिक्स कर देंगे जब हम यहाँ पे एलिमेंट रख रहे होंगे तब हम इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स को सिलेक्ट करके इस डायग्नल के अक्रॉस फ्लिप कर देंगे ठीक है तो ये एलिमेंट्स हो गए फिर हम इसको रख देंगे फिर इसको रख देंगे फिर ये जो बचा है वो हमारा इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया ठीक है और अब आप बोलोगे भाई एन क्रॉस टू वाला हुआ तो क्या हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आपका ऑपरेशन करने का तरीका बदल जाएगा ठीक है पहले आप इसको फिल करोगे फिर इसको फिल करोगे फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको ठीक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक केस हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा इन केस अगर एन और एम वन हो गए तो हम किसी भी एलिमेंट को मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स ग्रेटर देन वन साइज का सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे और वन साइज के स्क्वायर सब मैट्रिक्स में हम एलिमेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते ठीक है तो बस हमें क्या करना है हमें बस ये चेक करना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ए बी में है वो ए में प्रेजेंट है और हर एक एलिमेंट का एक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में है जो कि डिजायर्ड लोकेशन पे है मतलब कि मान लो मेरे पास ए में पांच वन हैन है।, है, है और दो ऐसे हैं जहां पे रो प्लस कॉलम मॉड्यूलो टू जीरो है यहां पे भी तीन वन ऐसे हैं जहां पे रो प्लस कॉलम मॉड्यूलो टू वन है और यहां पे दो वन है जिसका रो प्लस कॉलम मॉड्यूलो टू जीरो है तो हम या, इन दोनों वन को इनकी पोजीशन पे ले जा सकते हैं और इन तीनों वन को इनकी डिजर्ट पोजीशन पे ले जा सकते हैं तो बस हमें सभी एलिमेंट्स के लिए यही चेक करना है कि क्या उसका कोई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में प्रेजेंट है जहाँ पे रो रोप्रॉस कॉलम मॉड्यूलर टू सेम है और उस एलिमेंट की वैल्यू भी सेम है अगर सभी एलिमेंट्स के लिए ये ट्रू हो जाता है तो हम यस yes प्रिंट कर देंगे अगर एक एलिमेंट के लिए भी फॉल्स होता है तो हम नो no प्रिंट कर देंगे आई होप कन्सेप्ट क्लियर है अब इंप्लीमेंटेशन देखते हैं थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूटन स्कूल के फुल स्टेक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में जिसमें एनरोल होके यू कैन बिकम अ रॉक स्टार डेवलपर एंड कैन गेट प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन फाइव एल पी एप टू फोर्टी एल पी स्टूडेंट्स द स्ूडेंट्स हुआ प्रीवियसली एनरोल्ड आर ऑलरेडी वर्किंग एट टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया लाइक जोमेटो डिलॉयट अन एकेडमी एक्सेट्रा ऑल्सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है विच मीन्स दैट जब तक आपको फाइव एल पे या उससे ज्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है सो मेक श्योर यू गेट रजिस्टर्ड योर सेल्फ एट द लिंक विच इज गिवन दर इन द डिस्क्रिप्शन नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमने क्या डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में कि बस हमें ये देखना है कि ए में ए मेट्रिक्स में उसका करस्पॉन्डिंग बी में एक एलिमेंट हो जहाँ पे अगर ए की कोई वैल्यू है ए आई जे तो उसके करस्पॉन्डिंग बी में कोई एलिमेंट हो एक्स वाई सच दैट ए आई जे इज सेम एज बी एक्स वाई एंड आई प्लस जे मॉड्यूलो टू इज सेम एज एक्स प्लस वाई मॉड्यूलो टू ठीक है इन और ये किसमें हमें चेक करना है अगर मिनिमम ऑफ एन कोमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो ये क्यों ये हमने कंसेप्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया आप देख सकते हो तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें देखो एलिमेंट्स स्टोर तो करने पड़ेंगे क्योंकि सभी एलिमेंट के करेस्पोंडिंग एक एक चाहिए ये मत समझना हमें सभी के करेस्पोंडिंग एक एक चाहिए अगर ए में दो वन है और बी में एक ही वन है तो इन दोनों को इसके करेस्पॉन्डिंग ट्रू नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? दोनों सभी एलिमेंट्स के लिए इंडिविजुअली अलग एलिमेंट चाहिए जो ये कंडीशंस फॉलो करें तो ये कैसे कर सकते हैं देखो हम एक क्या क्या हमें चाहिए आई प्लस चाहिए मॉड्यूलोर टू चाहिए और इनकी वैल्यू चाहिए तो हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और आई प्लस के मॉड्यूलो टू स्टोर कर सकते हैं फिर सभी के सभी एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं वो चेक करने का बेस्ट मेथड क्या है शॉर्ट कर दो शॉर्ट कर दोगे फिर एक इंडिविजुअली एलिमेंट चेक करते जाओ ए में जीरो थे एलिमेंट बी में जीरो थे एलिमेंट सेम है कि नहीं ए में फर्स्ट एलिमेंट बी में फर्स्ट एलिमेंट सेम है कि नहीं काम हो जाएगा लेकिन अगर एन या एम दोनों में से एक की वैल्यू वन हुई मतलब सिंगल कॉलम या सिंगल रो तो पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम सेम होना चाहिए क्योंकि उसमें मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो पाएगा तो उसके लिए हमें अलग से चेक करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे एक वेक्टर लिख सकते हैं जिसमें कि दो पैर्स होगी ये एल क्या है लॉन्ग लॉन्ग है ठीक है A और बी ठीक है इस तरह से मैंने लिया पहले ये बेसिकली इस तरह का एलिमेंट होगा इसमें मैं क्या स्टोर करूंगा यहां पे वैल्यू स्टोर करूंगा ए आई जे यहां पे मैं आई प्लस जे मॉड्यूलर टू स्टोर करूंगा यहां पे मैं आई स्टोर करूंगा और यहां पे जे स्टोर करूंगा और फिर इसको शॉर्ट कर दूंगा इन केस अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ एन क्रॉस एन कॉम आईम ग्रेटर टू टू है तो बस मुझे ये चेक करना है कि सभी एलिमेंट्स के लिए फर्स्ट वैल्यू मतलब की वैल्यू और आई प्लस टू मोड्यूलर टू सेम है कि नहीं इन बोथ वेक्टर्स ए एंड बी ए में मैं ए मैट्रिक्स स्टोर करूंगा बी में बी मैट्रिक्स और अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू वन है तो क्या चेक करूंगा कि एलिमेंट और उसका रो और कॉलम नंबर सेम है कि नहीं क्योंकि वो उसी पोजिशन पे होने चाहिए ठीक है क्योंकि रो और कॉलम अगर वन है तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते एलिमेंट्स की अब क्या करना है फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस फॉर जे इक्वल टू लेस देन एम जे प्लस प्लस ठीक है यहां पे मैंने इनपुट में लिया या तो फिर मैं यहां पे जनरल लिख देता हूं मैंने यहाँ पे इनपुट लिया के ठीक है ये हम किसकी बात कर रहे हैं ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे ए डॉट पुश बैक हमें क्या क्या पुश करना है दो पैर्स है सबसे पहले इसकी वैल्यू मतलब के फिर आई प्लस जे मॉड्यूलो टू यहां पे आई और यहां पे जे ठीक है सिमिलरली हम सेम चीज बी मैट्रिक्स के लिए भी परफॉर्म करेंगे ठीक है इनपुट लेंगे और ये चीजें बी वेक्टर में स्टोर कर देंगे उसके बाद शॉर्ट ए और शॉर्ट बी मतलब कि शॉर्टिंग किसके डिपेंडेंट होगी सबसे पहले एलिमेंट की वैल्यू के डिपेंडेंट होगी फिर मॉड्यूलोर टू के डिपेंडेंट होगी फिर आई और जे के डिपेंडेंट होगी और अगर ये मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो हमें इन दोनों को इक्वल चेक है कि नहीं वो चेक करना है अगर वो दोनों में से एक की वैल्यू वन है तो मुझे एलिमेंट की वैल्यू और रो नंबर कॉलम नंबर चेक करना है तो इनिशियली मैं आंसर को क्या रखूंगा यस yes, रखूंगा ठीक है अब अगर मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन अगर वन है तो क्या करना है फॉर k की वैल्यू अब मैं ले लेता हूँ n क्रॉस m i equal to zero i is less than k i plus plus ठीक है if a of i dot first first के लिए मैं सिर्फ f लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए first dot first मतलब कि वैल्यू इज नॉट इक्वल टू b of i dot first dot first मतलब कि वैल्यू ही सेम नहीं है अब तो हमने शॉर्ट कर दिया है तो सारे इक्वल एलिमेंट साथ में आ जाने चाहिए अगर वैल्यू ही सेम नहीं है तो तो बात ही खत्म हो गई मतलब कि ए और बी में सेम वैल्यूज़ ही प्रेजेंट नहीं है और ऑफ़ आई डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट और ए ऑफ आई डॉट सेकेंड डॉट सेकेंड इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई डॉट सेकेंड डॉट सेकेंड मतलब कि या तो वैल्यू ही सेम नहीं है या तो फिर सेम रो और कॉलम में प्रेजेंट नहीं है वो एग्जैक्टली सेम पोजिशन पे होनी चाहिए क्योंकि मिनिमम ऑफ एन एनकोमाइम वन है मतलब कि हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते है. तो इनमें से एक भी केस ट्रू हुआ तो हम आंसर को नो no कर देंगे और ब्रेक कर देंगे ठीक है अगर ये केस नहीं हुआ तो क्या आएगा अब यहाँ पे एल्स पार्ट में आएगा मैं ऐसे ही लिख देता हूं फॉर i इक्वल टू जीरो आई एस लेस देन प्लस प्लस अब दो चीजें सेम होनी चाहिए वैल्यू सेम होनी चाहिए और i प्लस जो मॉड्यूलो टू सेम होना चाहिए अगर मॉड्यूलो टू सेम है तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे ठीक है तो इफ a ऑफ i डॉट फर्स्ट डॉट फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू b ऑफ i डॉट फर्स्ट डॉट फर्स्ट और एफ आई डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड उस केस में आंसर में नो स्टोर कर दो और ब्रेक कर दो ठीक है सो so, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन क्रॉस एम लॉग एन क्रॉस हैम क्योंकि उतने एलिमेंट्स को हम शॉर्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? और समीशन एन क्रॉस एम और ऑल द टेस्ट केसेस लेस इक्वल टू केसेज की पावर फाइव दिया गया है तो ये गिवन गिवेंट में इजिली हो जाएगा ठीक है क्या होगा एन क्रॉस एम लॉग एन क्रॉस एम क्योंकि शॉर्टिंग में इतना ही टाइम लगता है सो आई होप कि आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू